बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स फर्स्ट जुलाई 2022 आईबीए और ईओबीयू का मीटिंग था जो रेजिडल इश्यूज पे पेंडिंग इश्यूज पे डिस्कशन के लिए बुलाया गया था और इस बारे में खबरें आ रही थी पर वो फेक न्यूज थी ईओबीयू ने एक सर्कुलर जारी करके उस मीटिंग का पूरा ब्यौरा दिया है जो सेकेंड जुलाई का सर्कुलर है उसे मैं आपको शेयर कर रहूँगा इसके पहले कोई भी जो मैसेज आए थे वो फेक थे जो आपके साथ शेयर करने योग्य नहीं थे फ्रेंड्स ये पत्र लंबा है इसलिए मैं इसका लिंक भी दूंगा ताकि उस लिंक के जरिए आप उस पत्र की स्टडी स्वयं कर सकते हैं लेकिन शुरुआत में पत्र के कुछ खास बातें नहीं हैं केवल ब्यौरा दिया गया है कौन था उपस्थित क्या बातें हुई सत्ताईस जून को हमने स्ट्राइक विड्रॉ किया पहली जुलाई को मीटिंग शुरू हुई ये सब बातें हैं जिसको मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ जो मुख्य मुद्दे हैं जो टेक्स्ट का मैं उसको बता रहा हूं कि फाइव डे बैंकिंग द फॉलोइंग इशूज वे टेकन अप फॉर द डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग फाइव डे बैंकिंग बी एक्सप्लेन एंड रिट्रिएटेड बी एक्सप्लेन एंड रिट्रिएटेड आवर डिमांड फॉर Introduction of five-day banking, that is declaring all Saturday and Sunday as a bank holidays, the impact of this introduction on cash transaction hours, banking hours, and the total working hour were discussed. After deliberations, IBA opined and felt that further justifications should be built.

एक साल का वक्त बीत गया लेकिन आईबी अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई अब स्टेक होल्डर से डिस्कशन नहीं कर पाई और जब तक ये डिस्कशन करके अपना अप्रूवल गवर्नमेंट को नहीं भेजेगी तब तक ये मुद्दा इसी तरह लटका रहेगा और चलता रहेगा अब बात करते हैं अपडेशन ऑफ पेंशन आई बी एक्सप्लेन दैट अपडेशन ऑफ पेंशन इनवॉल्व एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग एंड पे आउट And hence the cost aspect needs to be kept in mind while discussing the issue. IB also pointed out that the already every year all the banks are making additional provisions to meet the short shortfall in the pension fund. Each bank, after a lot of discussions, it has been suggested that to begin with the ex gracia pension to the pre-1986 retirees, spouses can be can be addressed on a priority and the improvement in the pension of the retirees between 1-1986 and 31st october 2002 be taken up. thereafter, the improvement in pension for retirees after first number 22 may be taken up so that the additional cost can be spread out. the issue updating the pension of the uniform index of 635.2 point was also discussed in the matter and iba wanted some more working to be done before any decision can be taken in this regard. discussion on these issues will be further पेंशन अपडेशन के बारे में जब कॉस्ट ऑफ पेंशन फंड के बारे में पेंशन फंड में शॉर्टफॉल हर एवरी ईयर प्रोविजन करना पड़ता है या हमारा यूनियन कोई इस तरह का तैयारी करके नहीं जाता है वह कि ताकि उनसे डिस्कस कर सके कि यह मुद्दा आखिर कब तक चलता रहेगा पेंशन फंड का क्योंकि अगर डिसीजन लेना है तो इस मुद्दे को रिजॉल्व करना ही होगा लेकिन आई भी उसी तरह बात करती है यू की भी कोई तैयारी नहीं रहती है दोनों गोल मोल बात करके फिर पोजिशन एजिज होता है इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम इंप्रूवमेंट इन द स्कीम लाइक इनकॉर्पोरेटिंग ए क्लॉज ऑन द पेंशन रेगुलेशन टू प्रोवाइड For the periodical updation of pension along with the wage, revision of in service employee officers, full pension at 50% of pay to be given on the retirement after 20 years instead of present 33 years. Calculation of pension based on average of the last 10 months or last month's pay, whichever is advantageous to the retirees, etc., were taken. अप एंड दीज इश्यूज नीड टू बी फर्दर द रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट इन इश्यूज पे अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो पहले तो आईबीए इन सारे माद बातों को फिफ्टी परसेंट एवरेज लास्ट पे जो हायर होगा जो फायदेमंद होगा उन सब का डिस्कशन करके ये अपना अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजती क्यों नहीं जब तक गवर्नमेंट के पास अप्रूवल जाएगा नहीं तब तक हमारा ये चीज हमेशा अटका रहेगा अब ऊपर के तीन मुद्दों को देख लें फाइव डे बैंकिंग स्टिल पेंडिंग नो रिकमेंडेशन नो प्रपोजल पेंशन अपडेशन नो प्रपोजल नो रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम एज इट इज नो नो प्रपोजल नो रिकमेंडेशन चेंज इन डी ए स्कीम शिफ्टिंग ऑफ द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन टू हंड्रेड सिंस द गवर्नमेंट इज पब्लिशिंग मनली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन टू थाउजेंड सिक्सटीन टू हंड्रेड सीरीज वी सजेस्टेड दैट आवर डी ए स्कीम कैन बी अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड आई बी ए इनफॉर्म दैट दिस इशू कैन बी फर्दर वर्क आउट एंड टेकन अपक्स्ट वेज रिविजन प्रोसेस यानि कि अभी वर्किंग करेंगे फिर बाई ट्वेल्व बाई पट आइट में लेंगे वर्किंग हुई नहीं है तो ट्वेल्पाइट में बात करेंगे नहीं करेंगे एक तरह से टाल मटोल एलोकेशन ऑफ टू स्टॉप वेलफेयर फंड रिट्रिएटेड अवर डिमांड दैट द एलोकेशन टू स्टॉप वेलफेयर फंड बी मेड बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स इन लीव ऑफ द नेट प्रॉफिट एज इट एट प्रेजेंट आई बी एन दैट द इशू हैज ऑलरेडी बीन टेकन विद द गवर्नमेंट एंड वुड बी फर्दर फॉलोड अप अगर गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन गया है तो इट मस्ट बी फॉलोड क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज द इम्पॉर्टेंट इंक्रीज इन कन्वेंस अलाउंस फॉर इम्प्लाईज विद डिसबिलिटीज स्पेशल अलाउंस टू बी पेड इन द नॉर्थ स्टेट सिक्किम जी एंड के हिमाचल प्रदेश एज इट इज पे टू द गवर्नमेंट इंप्लाईज क्लैरिफिकेशन ऑफ द फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एम्प्लाई रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन शॉर्ट बाई द बैंक्स Improvement in the medical insurance scheme and the reduction in premium for retirees. Is IB requested your view to submit our views on these issues so that the same may be taken up. While finalizing the renewal of the policy for the next year, we suggested that the scheme for the retirees should be included a minimum basic policy for which the premium is to be borne by. द बैंक्स एंड द एडिशनल सम्स assured may be made optional. इनके अलावा यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आवर्स ब्रांचेज एक्जन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द इनकम टैक्स यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पी एल आई एंड पेंडिंग इश्यूज ऑफ द ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और इन सारी बातों पर अपनी थोड़ी थोड़ी राय यू बी यू ने दिया है लेकिन पूरे पत्र को पढ़ने के बाद आपको नहीं कहीं लगेगा कि ऐसा कोई बात हुआ है जिससे यह लगे कि आने वाले दिनों में एक महीने में पंद्रह दिन में दो महीने में आपका कोई भी बात सेटल होगा या तो प्रपोजल पेंडिंग है या तो प्रपोजल फॉलोड अप नहीं हुआ है लेकिन ठीक है अगर इस तरह इसको कंटिन्यू किया जाए और इस स्तर पे कंटिन्यू किया जाए कि इसका कोई हल रिजुलेशन हो खासकर से फाइव डे बैंकिंग पेंशन अपडेशन पेंशन स्कीम स्टाफ वेलफेयर फंड ये तीन चार ऐसे त्वरित मुद्दे हैं जिसको यूबीओ को इमीडिएट रिजॉल्व करने के लिए ही हैमर करना चाहिए और साथ साथ बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को नॉक करना जरूरी है थैंक यू फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के धन्यवाद